गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है। बदमाश के पास से अवैध असलहा और चोरी की बाइक बरामद की गई है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। हरदोई में एंटी करप्शन की टीम ने यह कार्रवाई की है। एंटी करप्शन टीम ने 30,000 रुपए लेते हुए मंडी सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। मंडी सहायक ने यूनिफाइड लाइसेंस बनवाने के नाम पर व्यापारी से 30,000 रुपए की मांग की है। व्यापारी की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने यह कार्रवाई की है। एंटी करप्शन की टीम ने थाना कोतवाली देहात में रिश्वतखोर मंडी सहायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो वो स्पेलिंग गलत होने की वजह से हमारा खाता नहीं सही हो पा रहा, तो उसमें हमने लगभग 20 लाख की छूट होती है, तो 20 लाख से ऊपर निकाल लिया कैश, इसलिए हमारा TDS कट रहा है। मैं रोज इनसे कहता था, लेकिन इस बात के लिए उन्होंने कहा पैसे देने पड़ेंगे तो हम कर देंगे। तो ये 30,000 रुपये फाइनल हुई थी, जो आज मैंने 30,000 रुपये इनको दिया। तो ये एंटी करप्शन से मैंने शिकायत की थी, वो लोग आए थे यहाँ, पहले विजिट कर गए, आज इनको रंगे हाथ उन्होंने पकड़ा। शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन लखनऊ के अप्रोच किया, आज हम लोग आए और हम लोगों ने जो है लोक सेवक साक्षी DM साहब से लेकर और वहाँ जाल बिछाया। 30,000 रुपया शिकायतकर्ता से आरोपी अरुणेन कुमार वर्मा को लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद हम लोग थाना कोतवाली देहात में आए हैं और यहाँ विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के चपरतला गांव में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सरकारी स्कूल की जमीन पर मकान समेत बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तहसील प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में JCB से इसे गिरा दिया। लोगों ने कार्रवाई का विरोध कर नाराजगी भी जताई है। कब्जा था? कौन सी जमीन थी सरकारी? सर ये स्कूल का, स्कूल जमीन नाम है, स्कूल के जमीन के नाम। किसके आदेश पे भाई है सर? मैडम के आदेश पे। SDM जी। सर इसके पहले कोई नोटिस वगैरह इनको दी गई थी? बताया गया था सर। ये पीड़ित का कहना है कि कोई नोटिस, कोई इशू नहीं हुई थी, बगैर नोटिस के आए हैं और मकान ढहा रहे हैं। चलो ठीक, क्या कहेंगे कुछ? ठीक है। गाजियाबाद में ऑनलाइन स्टॉक पूरा करने पर कमाई का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। लड़की के साथ साइबर ठगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ऑनलाइन मुनाफा दिखाकर करीब 27 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़िता ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं गाजियाबाद से, जहां पर ऑनलाइन टास्क पूरा करने पर कमाई का झांसा देकर ठगी की गई है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर BJP के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अटेली, रादौर, फरीदाबाद और जगाधरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। फरीदाबाद के NIT विधानसभा क्षेत्र की डबुआ सब्जी मंडी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अटेली विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। CM योगी BJP के स्टार प्रचारक हैं और BJP उम्मीदवारों की डिमांड हमेशा रहती है कि वो उनके विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करें। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि पूर्वी यूपी में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कभी भी हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लिहाजा कई जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। अयोध्या, प्रतापगढ़, बस्ती, अमेठी क्लास 1 से लेकर 12th तक के
स्कूल बंद रहेंगे।